देखिए सर, जब ये 2019 में यहाँ पे फैसला लिया गया कि कश्मीर को इन्होंने यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है तो उस दर्जे में इसको लाया गया एक पॉजिटिव, और विद इन नो टाइम फ्रेम में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है सेंटर में बैठी है, इन्होंने इनिशिएटिव्स लाए हैं यूथ के लिए, खास तौर पे जो यूथ के लिए स्कीम्स आई हैं वो इनिशिएटिव्स। आज मैं आपको बताऊं कि जब हमारी पहली मीटिंग इनके साथ हुई थी, मनोज साहब के साथ, सिन्हा साहब के साथ, तो इसमें मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट रही थी, मैं कहा सर आप जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक अलग सेपरेट डेस्क बनाएं जेके बैंक में, क्योंकि जेके बैंक में हर एक ब्रांच में एक अपना माहौल है, वहाँ पे एक जब न्यूकमर आता है तो शायद उसको उतना रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो फिर वो एक बंदे से दस लोग, दस बच्चे और डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है जी, चाहे उसका बैंक उसके इलाके में कहाँ कहीं भी हो, रैनावारी हो, बरजुला हो, गांदरबल हो, लेकिन वो अपनी फाइल, अपना केस, अपना लोन की जो वो है वो एक जगह लेकर आए। तो उसमें उन्होंने विद इन डेज, मुझे लगता है शायद दो या तीन दिन में वो एक ऑर्डर निकाला और जे एंड के बैंक में जोनल ऑफिस में एक सेपरेट डेस्क बना दिया, और जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें तकरीबन 40 दिनों में कुछ 127 करोड़ रुपया जो है वो डिसबर्स हुआ है, जो यहाँ पे हमारे जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मेल एंटरप्रेन्योर्स जो बाकी हैं, इन टर्म्स ऑफ उनकी अलग ये हैं स्कीम्स हैं, आसाइश है, कस्टमर लोन है, या प्रोजेक्ट लोन है, या टर्म लोन है, या एक वो दूसरी भी एक वो सहूलियत स्कीम है, उसमें उन्होंने ये कर दिया। और मुझे लगता है दीज वर द वन ऑफ द मेन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ डिसीजंस विच आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मनोज सिन्हा मेड आफ्टर ज्वाइनिंग एज एलजी इन कश्मीर। तो उन्होंने उसी वक्त जो कुछ ही दिनों में पहली मीटिंग के बाद जो फैसले लिए गए उसमें वो डेस्क वो आज भी मौजूद है। तो वो पहला पैकेज था 2019 के बाद ट्रेड के लिए 1325 करोड़ का, कि 1375 करोड़ कुछ ऐसे था वो आया था, और उन्होंने कहा था ये पैकेज खाली फेज़ वन है, इंशाल्लाह आप विद टाइम ये पैकेज दो तीन ऐसे ऐसे अमाउंट के हमारे पास और आ जाएंगे। आज एक डिपेंडेंस एक फैमिली की एक लड़की पे भी आती है, एक मेल मेंबर पे भी आती है, और एक स्टेट की तरक्की में खाली आज अगर हम देखें तो खाली मेल्स का रोल नहीं है, उसमें फीमेल की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हालांकि जब हमने ये उनको प्रपोजल दिया था, वो SKICC में ही हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने जब अपना एड्रेस किया सबके सजेशन सुनने के बाद, तो उन्होंने ये एक एग्री कर लिया इस पर कि यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम एक सेपरेट लैंड बैंक मार्क करेंगे किसी लैंड को। पे यहाँ पे हमने देखा हमारे कल्चर में थोड़ा जो फीमेल्स हैं उनके लिए थोड़ी बाइंडिंग्स रहती हैं, ठीक है जी, नहीं जी आप बिज़नेस करोगे तो फजूल में आपको जाना है मार्केट में, मर्दों के बीच में काम करना है, कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं या कुछ ऐसी कल्चरल बाइंडिंग्स भी हैं जहाँ पे हमारी एक बच्ची नहीं करना पा, आइडियाज़ उसके पास होते हैं लेकिन नहीं कर पाती है ड्यू टू सम कल्चरल बाइंडिंग्स। उसमें हमने कहा था कि आप दो तीन शॉपिंग मॉल्स ऐसे बनाएं जो खाली एक फीमेल ओरिएंटेड, जिसमें जो दुकानें दी जाएँ किराए पर वो खाली जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है जी, तो उनको दी जाए, ताकि वहाँ पे ख़रीदारी में भी जो 80% वहाँ पे 80-90% जो क्राउड आए वो फीमेल्स का है, ताकि अपना वो कर, क्योंकि ये जो दौर अब आया है, ये दौर जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है जी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे फिर एक स्टेट को आगे बढ़ना है, एक कंट्री को आगे बढ़ना है, या एक बिज़नेस को आगे बढ़ना है, या एक इंसान को आगे बढ़ना है, आपने टेक्नोलॉजी का जो है वो साथ लेना ही लेना है। और मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन सिस्टम से पहले हमको पता नहीं होता था फाइल कहाँ पहुँची है, अच्छा उस बरकस करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है जी,
क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ पहुँची है, कहाँ साइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफिसेस में बड़ी एक एरोगेंस भी थी, ठीक है जी, खासकर जो उनका नीचे वाला स्टाफ होता है अफसर का, उधर जा रहा थी क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन आज आपका देखिए सर, ऑनलाइन सिस्टम है। मैंने परसों मैंने फर्म बनाई अपनी डॉक्टर के नाम पे, तो मुझे लेबर सर्टिफिकेट चाहिए थी। एक ज़माना होता था कि यहाँ से फिर एक मेरा बंदा जाता था, फिर उसको चार दिन बाद फॉर्म मिलता था, फिर वो भरता था, फिर क्या है। आज कुछ नहीं जनाब, हमने साइट खोली, अपने डिटेल्स भर दिए, फोटो में चढ़ा दी, रजिस्ट्रेशन भर दी, एंटर किया, तो हमारा प्रोविजनल आ गया। उसके बाद अब वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, करके हमको मिल जाएंगी, तो एक सहूलियत है। और इस टेक्नोलॉजी ने करप्शन को बहुत हद तक जो है वो कर दिया।